टुडे रिपीट। तीसरी लाइन से आज हम लिखेंगे। चौथे नंबर का जो है मैं कौन, एक कविता दी गई है। पांचवे नंबर में दादी अम्मा की रसोई। तो मैं कौन, इसमें हमें कुछ सवाल पूछे गए हैं, पहेलियां पूछी गई है, उसके बारे में हमें जानकारी मिलेगी। वहां पे हमें आइडेंटिफाई करना है उसका नाम, उस चीज का नाम। और जो है दादी अम्मा की रसोई, इसमें जो है ये दादी और उसके जो नात और नातिन है उसके बारे में बताया गया है। तो चलिए देखते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, इसमें यहाँ पे दिया गया है मैं कौन। वर्षा में या धूप में आओ सबके काम, मुझको सिर पर तानते बुझो मेरा नाम। वर्षा हो या धूप हो, जब बारिश हो या धूप का महीना हो, तब हम क्या करते हैं, इस सब के काम है, एक चीज़ हमें आती है और उसको हम सर के ऊपर पकड़ते हैं, तो उसका नाम क्या है, तो है छाता। ठीक है। बाहर से साधु जैसे जसाधारी काया, देह भले ही सख्त भीतर कोमल मन है पाया। बाहर से हमें साधु जैसे दिखते हैं, जटाधारी काया है उसकी, तो है नारियल। ठीक है। अंदर से जो है कि हमें बाहर से भले सख्त दिखता है, पर अंदर के मन यानी अंदर क्या होता है, सफेदी हमें दिखती है, तो है नारियल। ठीक है। सब लोगों का साथ सच्चा, पूरे घर की करता रक्षा, यानी हम लोगों का जो है साथ देने वाला, हमारे घर की रक्षा करने वाला नाम है क्या मेरा, तुम बोलो। घर आओ तब मुझको खोलो, तो जब हम घर जाते तो खोलते हो है ताला, हमारे घर का रक्षा करने वाला रक्षक। खुली रात में पैदा होती, हरी घास पर सोती, मोती जैसी मूरत मेरी, बादल की मैं पोती। तो यहाँ पे बताया गया है कि मैं क्या करती हूँ, खुले रात में हो यानी रात को ही उसका जन्म होता है, घास पर वो रहती है, मोती जैसी वो दिखती है हमें, बादल की मैं पोती, और बादल की वो एक क्या है, अंश है उसकी, पोती है, तो वो है बूंदे जो सुबह हमें दिखती है ना पानों के ऊपर, वो है। देन छह अक्षर का मेरा नाम, खाता हूँ मैं खाने का काम, सॉरी खाता हूँ मैं खाने के काम, आधा मैं फलों में रहता, आधा मेरा फूलों का नाम, फूलों फूलों का नाम जिसका हो, जिसे हम खाते हैं वो है गुलाब जामुन। ओके। जो गुलाब है फूलों का नाम है, जामुन यानी फलों का नाम है, जिसे हम खाते हैं, सबको गुलाब जामुन पसंद है ना। रंग बिरंगी पोशाकों वाली, फूलों फूलों पर उड़ने वाली, सबके मन को बहाने वाली, उड़ना है इसकी बड़ी निराली। तो स्टूडेंट्स ये जो है रंग बिरंगी पोशाक रहते है उसके यानी तितली, फूलों पर उड़ती रहती है, सबके मन को भाने लगती है, और उसकी उड़ान ही क्या है, बहुत ही निराली रहती है, तो ये तितली। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो है हमने यहाँ पे बताया गया है, तो आपको आंसर में लिखना है मैं कौन, जो कविता यहाँ पे बताई गई है, पहली हमें दी गई है, मैंने वो हल करके आपको बताया है, तो आपके नोटबुक में राइट डाउन करने हैं। यहाँ पे आपको छाता लिखना है, यहाँ पे नारियल लिखना है, ठीक है, यहाँ पे ताला लिखना है, यहाँ पे बूंदी लिखना है, गुलाब जामुन लिखना है, और यहाँ पे तितली लिखनी है लास्ट में। ओके स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट लेसन देखेंगे दादी अम्मा की रसोई। देखिए दादी जी दिख रही है यहाँ पे, एक लड़का और लड़की है। अम्मा कहती है विट्ठल मुस्कान आ गए तुम दोनों। ये जो दादी जी इन दोनों को कहते कि तुम दोनों आए हो, मुस्कान कहती है हाँ अम्मा, क्योंकि दादी को क्या करते कहते हो, अम्मा कहते हैं। प्रवीण और हर्ष भी हमारे साथ थे, बता रहे कि प्रवीण और हर्ष भी हमारे साथ उनके फ्रेंड्स थे। विट्ठल आज इफ्तिकार और अश्विन के साथ कबड्डी में आनंद आया। फिर विट्ठल ये जो है मुस्कान और ये है विट्ठल, तो ये कहते हैं कि आज हमें इफ्तिकार और अश्विन के साथ कबड्डी में मजा आया, क्योंकि कबड्डी खेल के हुए घर पे लौटे हैं। अम्मा कहती है अच्छा मैं सब्जी काट रही हूँ, खाना बनाने में थोड़ा समय लगेगा। विट्ठल कहता है जी अम्मा, तब तक हमें भुट्टा और डिब्बी में रखे लड्डू दे दो। तो वो कहती है कि हम मुझे अभी खाना बनाने में थोड़ा वक्त है। तब तक विट्ठल कहता है ठीक है कोई बात नहीं, आप मुझे भुट्टा और डिब्बी में रखे लड्डू दे दो, तब तक हम वो खा लेंगे। अम्मा कहती है हाँ ले लो ना, मैं चूल्हे पर कद्दू की सब्जी और भाकरी बनाती हूँ, ठीक है। तब तक वो कहती है हाँ ठीक है ले लो आप और खा लो। फिर अम्मा कहती है कि मैं अभी चूल्हे पे क्या बनाने वाली हूँ, कद्दू की सब्जी बनाने वाली हूँ। यहाँ पे हमें देखिए चित्र में कद्दू दिखाया गया है, कद्दू की सब्जी और क्या बनाने वाली है, भाकरी बनाने वाली है अम्मा जी इनके लिए। मुस्कान कहती है मुझे चटनी भी चाहिए अम्मा। फिर अम्मा कहती है मुस्कान सिलबट्टे पर चटनी कल बनाऊंगी, कि आज मैं चटनी बनाने वाली नहीं हूँ, कल मैं चटनी बनाऊंगी। विट्ठल कहता है मैंने ड्रम के पास रखे घड़े से पानी ले लिया है। अम्मा कहती है मुस्कान घड़े का ढक्कन ठीक से रखना, बच्चों भरपेट खाकर अपनी पढ़ाई करो। फिर अम्मा जी कहती है कि जो घड़ा है घड़े का ढक्कन अच्छे से रखना है, बाद में आप सभी क्या करो पढ़ाई करो। ऐसे दादी अम्मा की रसोई है, बहुत ही प्यारी है, यहाँ पे हम देख सकते हैं।
तो स्टूडेंट्स इस पे मैं अभी स्वादें आपको बताने वाली हूँ। तो जो अभी लेसन हमने देखा दादी अम्मा की रसोई, आपको रीड करना है, अच्छे से समझ लेना है, दिन स्वादें आपकी नोटबुक में सॉल्व करनी है, हिंदी की नोटबुक में। फर्स्ट है सुनो समझो और दोहराओ। कद्दू, मेरे साथ आपको भी कहना है, कद्दू, चूल्हा, भुट्टा, ड्रम, बर्फ, मुस्कान, लड्डू, चम्मच, फ्रीज, पैस, गुप्ती, विठल, हर्ष, ढक्कन, पत्ते, प्रवीण, सब्जी, ट्रम। दो नंबर में पढ़ो और समझो, सिर्फ पढ़ना है हमें, ये जो है आपको वैसे के वैसे देखकर लिखना है नोटबुक में। खुले में रखे खाद्य पदार्थ न खाएं, कभी भी खुले में जो पदार्थ रखते हैं हम खाने की चीजें वो नहीं खानी चाहिए। दो नंबर है तली हुई चीजों को अधिक सेवन न करें, तली हुई चीज भी नहीं खानी चाहिए, इससे हमें मोटापा आ सकता है। सदैव स्वच्छ एवं भरपूर पानी पिए, पानी कैसा होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, भरपूर हमें पानी पीना चाहिए रोज, और हमेशा क्या करना है, प्रतिदिन व्यायाम करें, उससे हमारी सेहत अच्छी रहेगी। ये भी आपको ऐसे देखकर लिखना है नोटबुक में। देने संजाल पूरा करो, यहाँ पे संजाल दिया है विठल के मित्र, तो यहाँ पे शुरुआत में लिखना है आपको प्रवीण। दूसरे नंबर में हर्ष लिखना है, तीसरे नंबर में इफ्तिखार और चौथे नंबर में अश्विन लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, देन है उत्तर लिखो। कल सिलबट्टे पर बनेगी, क्या बनने वाली है, कल चटनी। ओके, बच्चों ने खाने के लिए मांगा, क्या मांगा, भुट्टा और लड्डू। ओके, यहाँ पे भुट्टा और लड्डू लिखना है। नेक्स्ट, तुम अपने घर के कामों में सहायता करते हो, चर्चा करो। क्या मैं भी आपको पूछ रही हूँ, आप आपके घर के काम में आपकी मम्मी के लिए पापा के लिए मदद करते हो क्या, सही होगे, करते होंगे तो बताओ। तुम्हें किसके साथ खाना अच्छा लगता है, ठीक है, मदद करते होंगे तो यहाँ पे आपको लिखना है। यहाँ पे पूछा गया है कि किसके साथ खाना अच्छा लगता है, तुम्हें खाने में क्या क्या पसंद है, आपको मम्मी के साथ, दादी के साथ, नानी के साथ, किसके साथ अच्छा लगता है लिखना है, और खाने में आपको क्या क्या पसंद है उसके बारे में भी आपको लिखना है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से जो है आपको स्वाध्याय जो नोटबुक में आपके सॉल्व करने, हिंदी के नोटबुक में देने, उसके फोटोज मुझे सेंड करने हैं। तो आज हमने मैकोर ये चौथे नंबर में पहेलियाँ देखी थी, वो भी आपको सॉल्व करने है नोटबुक में, और पांच नंबर में दादी अम्मा की रसोई लेसन भी मैंने अभी आपको सिखाया, तो उसका स्वाध्याय भी आपको नोटबुक में राइट डाउन करके उसके फोटोज मुझे सेंड करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ स्टॉप हियर, थैंक यू।